बिल्कुल लाइव चलाओ, लाइव लाइव वीडियो बनाओ, लाइव चला लाइव। जो गाजियाबाद के अंदर सबका तैयार हो गया, उनसे हाथों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूं उन्हें, उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदी वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, सभी से कहना चाहता हूं कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे, यह आपका हिंदू वाहिनी साहब जुड़े हुए महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो यह आपका कार्य है, कोई भी हमारा परिवार परेशान ना रहे। जो लोग कहते थे योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, आज उनकी पेंट आगे से गीली पीछे से पीली हो रही है, तो यह आपकी ताकत है, इस देश के अंदर इस प्रदेश के अंदर भगवान राज स्थापित किया। सभी से अनुरोध करता हूं जातिवाद को खत्म करके हिंदू संगठित रहे, जब तक हिंदू संगठित रहा तो राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपकी एक वोट ने राम मंदिर में ईंट लगाने का कार्य किया। आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, आप भी अपने मोहल्ले पड़ोस में जाकर सभी हिंदू परिवारों को धन्यवाद करें, उन्हें विश्वास दिलाएं कि कोई भी आपकी समस्या होगी तो हिंदू वाहिनी आपके कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ी है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जिस एक सूचना और दे देता हूं, जिस दिन महाराज जी शपथ लेंगे उससे 1 या 2 दिन बाद विजय जल लू से निकला जाएगा, उसमें आप सभी साधारण मंत्री थे और मजबूती के साथ साधारण मंत्री थे, रहोगे कि नहीं रहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हिंदू वाहिनी का जिलाध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाओ कि दिनों रात आपके साथ एक भाई होने के नाते कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा मिलूंगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो।